Hello everyone, welcome to an academy. दोस्तों जैसे कि हम लोग चैप्टर 13 कर रहे हैं क्लास 12 के एंड इससे रिलेटेड हम लोग ने जो सारे चैप्टर्स कवर किए हैं आज उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे. सो बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. दिस इज़ अ रिकॉर्डेड सेशन. मैंने थोड़ी देर पहले ही रिकॉर्ड किया था बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग. सो गाइज आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, सो आई कुड नॉट स्किप. जो फ्लो चल रही है हमारी पढ़ाई की उस तैयारी में मैं किसी प्रकार का ब्रेक नहीं चाह रही थी, इसीलिए मैंने ये रिकॉर्ड किया है सो दैट माई ट्रैवलिंग विल नॉट हैम्पर यू. सो दिस इज अबाउट मी, अनुमिता मिश्रा. आई एम अ लॉ ग्रेजुएट एंड अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी एंड आई एम हैविंग 10 years ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस. अलॉन्ग विद दैट आई हैव बीन टीचिंग फॉर पास्ट 5 years यूपीएससी एंड लॉ स्टूडेंट्स. और ये हमारा टेलीग्राम चैनल लिंक है, ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल है जिसपे आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे आने वाले क्लासेस के, सो डू फॉलो मी देयर. और हाँ दोस्तों, कोई भी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी पे, सो डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड अनुमिता 10. अगर आप अनुमिता 10 यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाता है. दिस इज द टाइम स्केड्यूल. सुबह 8:30 बजे एनवायरमेंट, शाम को 8:30 बजे एनवायरमेंट एनसीईआरटी. हम लोग पैरेलली कवर करेंगे वही जो सारे चैप्टर्स, वही सारे कंटेंट जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है. नॉट अननेसेसरी थिंग्स बिकॉज 5 months इज ओनली लेफ्ट. ज्ञान अननेसेसरली ज्यादा प्राप्त करने के लिए अभी समय नहीं है, बाद में कर लेंगे. तो एनसीईआरटी में जितना जरूरी है आपके एग्जाम के लिए, आपके लेवल में जितनी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है, दैट आई विल बी कवरिंग अप. ओके, सैटरडे का सुबह का ये क्लास है 10 से 12. सो लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. ये कर रहे थे यस. सो गाइस, पॉपुलेशन एंड इंटरैक्शंस, इसके इसमें पॉपुलेशन का रिलेशन क्या है एनिमल्स के साथ, कोई भी पॉपुलेशन बिटवीन टू स्पीसीज, बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, उसका रिलेशनशिप क्या है वो हम लोग समझेंगे, राइट. तो कल हम लोग ने यहां तक कंप्लीट किया था 25th, मतलब ये थोड़ा सा एक ब्रीफ आउट किया था कि ये दिस वाज द पेज व्हिच वी कवर्ड यस्टरडे टिल यस्टरडे 25th. सो दिस इज व्हाट वी कवर्ड एंड टुडे विल बी कवरिंग अप दिस वन, द रिलेशनशिप. पॉपुलेशन के बीच में इंटरेक्शंस कैसे है, रिलेशंस कैसे हैं, दैट विल बी कवरिंग अप. तो मैंने क्या किया कि एनसीईआरटी में जो चैप्टर है वो थोड़े बोरिंग तरीके से कवर्ड अप है, देर आर नॉट पिक्चर्स, क्लास 12 में पिक्चर्स नहीं, तो मैंने इसको इंक्लूड किया है और आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके में पूरे चीज को डाला है इन फ्यू स्लाइड्स, सो दैट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग इट. और जब हम लोग एनसीईआरटी का बुक पढ़ेंगे तो बिल्कुल वो थरोली जस्ट आपको जो निचोड़ है, जो सारा है, वो मैंने आपको स्लाइड में कवर अप करी है. तो देखो, 4 टाइप के इकोलॉजिकल देर आर 6 टाइप्स ऑफ इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स. ओके, तो ये क्या है, प्रिडेशन, पैरासिटिज्म, कॉम्पिटिशन, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म. अब एक एक करके आते हैं कि ये एक एक करके है क्या, राइट. ये जो 6 टाइप्स ऑफ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, इसको कॉम्पिटिशन, द वर्ड कॉम्पिटिशन का मतलब आपको पता चल गया है कि दो स्पीसीज ऑफ एनिमल्स में इट कैन बी सेम और डिफरेंट, उसके बीच में कॉम्पिटिशन होगा, मारपीट होगा, राइट. तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दोस्तों इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्पिटिशन. उनके बीच में मतलब कॉम्पीट करते हैं, वो एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए कॉम्पीट करते हैं, कौन जीतेगा वही सिकंदर, वही वाली बात है. दूसरा है प्रिडेशन. प्रिडेशन में तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों कॉम्पिटिशन में क्या होता है, दोनों को ही, किसी को भी फायदे नहीं होते, दोनों को नुकसान होता है. जैसे दो एनिमल्स फाइट करें एंड ऑल, जैसे हम लोग आगे की पिक्चर्स में समझेंगे, तो दोनों को नुकसान पहुंचता है. प्रिडेशन में एक को लाभ होता है, दूसरे को नुकसान पहुंचता है. पैरासिटिज्म में एक को फायदा, एक को नुकसान, हर्बीवरी. और म्यूचुअलिज्म में क्या है, एक को फायदा, एक को नुकसान. और म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा, कमेंसलिज्म में एक को फायदा, दूसरा न्यूट्रल रहता है. डिटेल्स में समझते हैं म्यूचुअलिज्म क्या है. म्यूचुअलिज्म से स्टार्ट करते हैं. म्यूचुअलिज्म देखो, ये मैंने पिक्चर्स डाल दिए हैं, एनसीईआरटी में नहीं है, ये मैंने अलग से डाला है, तो सिंपली समझ लेते हैं. म्यूचुअलिज्म डिस्क्राइब्स एन ऑनगोइंग इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज. तो यहाँ पे दो स्पीसीज है, दो अलग अलग स्पीसीज है, वेयर बोथ द स्पीसीज बेनिफिट फ्रॉम द इंटरेक्शन. दोनों को विन विन है, प्लस प्लस बोथ द स्पीसीज गेट्स बेनिफिट. हनी बी गैदर्स फूड. ये देखो, हनी बी जो है वो फूड ले रहा है, यहाँ से हनी लेगा, राइट.
नेक्टर को, और इसके बदले फ्लावर को क्या होता है, पॉलिनेशन प्रोसेस होता है, पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होता है एंड दैट हेल्प्स इन पॉलिनेशन. पॉलिनेशन से क्या होता है, व्हेन व्हेन पॉलिनेशन टेक्स प्लेस देन इट फर्टिलाइजेस, फ्रूट बनता है, फ्रूट से हम लोग उसे कंज्यूम करते हैं, राइट. अब प्रे का पेड़ का भी जो जनरेशन, वो सीड्स पॉलिनेशन होगा, फ्रूट उसमें ग्रो करेगा, फिर उसके सीड्स जो है वो फिर जर्मिनेट होंगे एंड उसका भी जो है पॉपुलेशन फिर वैसे ही ग्रो करेगा. विदाउट दिस क्या होता है, अगर पॉलिनेशन नहीं होता, रिप्रोडक्शन ही नहीं होता, तो ये फ्लावर की स्पीसीज जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती. तो इसको फायदा मिल रहा है फ्लावर को कि भैया तुम पॉलिनेशन कर दो एंड इसके बदले मैं तुमको अपना हनी दूंगी. तो दोनों ने एक दूसरे की सहायता की और दोनों सदियों तक एग्जिस्ट कर पा रहे, सर्वाइव कर रहे हैं खुशी खुशी. तो हनी बी इज एन एग्जाम्पल फ्रॉम फ्लावर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन्स दोस्तों, ये फ्लावर के जो अंदर कोई भी फ्लावर्स देखोगे उसके अंदर छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स होते हैं. एंड क्लीनिंग द क्रोकोड पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे दोनों के एक दूसरे से फायदे हो गए. तो आप समझ रहे हो म्यूचुअलिज्म मतलब विन विन, दोनों को प्लस प्लस. Clover bird picks food morsels from in between the jaws of the crocodile, cleaning the crocodile teeth in process. तो देखो क्या है, ये आपको लग रहा होगा इस पिक्चर में कि ये क्रोकोडाइल जो है इसको खा जाएगा चिड़िया को, लेकिन इस चिड़िया के हम लोग सोचे कि चिड़िया क्या बेवकूफ है जो इस क्रोकोडाइल के अंदर मुंह में जाके फंसा हुआ है. एक्चुअली एक चिड़िया नहीं फंसा हुआ, चिड़िया जो इसके दांत के अंदर जो फंसे हुए मीट है, जो खाना इसने खाया है इससे पहले, जो किसी भी एनिमल को चबाया होगा दबा के, तो उसके उसके इनके पास ये टूथपिक के जैसे काम करते हैं. दिस एक्ट एज अ टूथपिक, राइट. क्रोकोडाइल के जो दांत में फंसे हुए कष्ट है निकाल नहीं सकते ना, उनके पास हाथ नहीं है. सो दिस विल एक्ट एज अ टूथपिक, दिस बर्ड विल टेक आउट ऑल द रिमेनिंग्स जो भी दांत के अंदर फंसे हुए हैं. और क्योंकि ये ब्रश भी नहीं करते हैं तो इनके दांतों के अंदर जो कोई कीड़ा ना लग जाए, इसलिए चिड़िया को बोलते हैं आ भाई आप साफ कर दे. इसके अंदर जो खाने रह जाते हैं पार्टिकल्स, जैसे हमारे दांतों के बीच में फंस जाते हैं, तो उसको निकालता है ये चिड़िया जिसका नाम है फ्लावर बर्ड, राइट. तो क्रोकोडाइल को आराम मिल गया, दांत से फंसे हुए सारे चीज निकल गए, कांटे मीट वॉट एवर इट इज, राइट. और इसको खाना मिल गया, तो दोनों को एक दूसरे से फायदा मिल गया, फ्लावर बर्ड एंड क्रोकोडाइल. ये यहाँ पे आप देख रहे हो कि इन दोनों के बीच में म्यूचुअलिज्म होगा. इसको पता है कि ये जो क्रोकोडाइल है वो उसे खाएगा नहीं, बल्कि उसे बेनिफिट ले लेगा और उसे छोड़ देगा. ज़ूज़ान्थली दोस्तों क्या है, ज़ूज़ान्थली एल्गी फोटोसिंथेसिस विद द प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट ऑफ द पॉलिप एंडोडर्मिस फीडिंग द कोरल. देखो ये पॉलिप, जब आपको कोरल एंड रीफ हम लोग पढ़ेंगे या इससे पहले भी मेरा वीडियोस है उसमें आप समझोगे कि जो कोरल्स होते हैं ना, कोरल्स तो स्केलेटन होते हैं, मतलब हड्डी बस होता है उसके अंदर, राइट. वो खांचा के जैसे काम करता है और उसके अंदर जो कलर कलर जो प्रोवाइड करते हैं कौन करते हैं, एल्गी, ज़ूज़ान्थली एल्गी. वो फोटोसिंथेसिस एल्गी जो है वो खाना बना सकता है, कोरल जो है वो नहीं बनाता है खाना. तो ज़ूज़ान्थली जब खाना बनाता है विद हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा, फिर वो खाना का जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रोवाइड करता है कोरल्स को. कोरल्स भी इसी मदद से अलाइव रहता है एंड एट द सेम टाइम कोरल्स प्रोवाइड होम टू दी ज़ूज़ान्थली. ज़ूज़ान्थली को बोलता है आओ हमारे घर में बैठो और तुम अच्छा अच्छा खाना बनाओ, हम खाना खाएंगे और तुम इस घर को यूज कर सकते हो. तो ये जो प्रोसेस हो गया, ये म्यूचुअलिज्म का हो गया, दोनों को एक दूसरे से मदद मिल गया, एल्गी को घर मिल गया, प्रोटेक्शन भी मिल गया. नहीं तो जमीन में ऐसे कोरल्स जो है ना, कोरल्स थोड़े से ऊपर, कोरल्स देखो ऐसे ऐसे कोरल्स जो रहते हैं बहुत सुंदर सुंदर कोरल्स, हाँ कोरल रीफ्स, तो ये थोड़े से और एल्गी इसमें रहते हैं, इस कोरल्स के बीच में. नहीं तो नीचे कैसे रहते, तो इनको प्रोटेक्शन भी मिल गया, अच्छा घर भी हाई राइज में मिल गया और उसके बदले उन्होंने प्रोवाइड किया न्यूट्रिएंट्स टू दिस कोरल्स. कोरल्स अपने से खाना नहीं बना सकते हैं, तो दोनों ने आके ये सेटिंग कर ली है और दोनों सर्वाइव करते हैं दिस वे. अगर अगर कोरल से दोस्तों एल्गी या ज़ूज़ान्थली, जब हम लोग एक्वाटिक इकोसिस्टम पढ़ेंगे तब समझेंगे कि जो ज़ूज़ान्थली है एल्गी, जब यहाँ से हट जाएंगे, निकल जाते हैं या मर जाते हैं,
वो छोड़ देते हैं उस कोरल को, तो कोरल भी ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है वो मर जाता है। तो जहां से एल्गी हट गया, कोरल भी मर गया। अगर ये बर्ड्स पॉलिनेशन करना छोड़ दिए तो फ्रूट्स जो है इसके इस पेड़ के आएंगे नहीं, पॉलिनेशन होगा नहीं, रिप्रोडक्शन होगा नहीं, एंड ऑटोमेटिकली दिस विल बिकम एक्सटिंक्ट। तो ऐसे एक एग्जाम्पल। तो म्यूचुअलिज्म में दोनों को एक दूसरे से मदद होता है, दोनों बेनिफिट्स ही लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या है दोस्तों? कमेंसलिज्म डिस्क्राइब्स म्यूचुअलिज्म डिस्क्राइब्स हो गया म्यूचुअलिज्म। कमेंसलिज्म डिस्क्राइब्स एन ऑनगोइंग इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज, स्पेसिफिकली वन बेनिफिट्स एंड अनदर इज अनअफेक्टेड। तो एक को बेनिफिट मिल गया और अनदर जीरो, उसको अनअफेक्टेड रहेगा, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्या है एग्जाम्पल? रिमोरा अटैच टू दी, दीज आर एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स आप पढ़ोगे ना तो प्रीलिम्स में दोस्त ऐसा पूछा जा सकता है कि ये जो दोनों एनिमल रह रहे हैं, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, आपको ऑप्शन दे देंगे, कमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, राइट, ऐसे करके अलग अलग, एमेंसलिज्म, प्रिडेशन, ये सारे एग्जाम्पल्स दे देंगे। यू हैव टू चूज द राइट वन। तो आपको राइट जो आंसर है वो चूज करना होगा। तो देखिए इस एग्जाम्पल में क्या है कि रिमोरा अटैच टू द अंडर साइड ऑफ अ लार्जर प्रीडेटर फिश दैट इज शार्क एंड फीड ऑफ द अनईटन फूड स्क्रैप्स। ये दोस्तों क्या होता है कि ये जो है अटैच कर लेता है बहुत ही बड़े प्रीडेटर फिश लाइक शार्क, शार्क के नीचे ये अटैच कर लेता है या ऊपर, और उसके बॉडी पे अटैच कर लेता है, और उसका जो छोड़ा हुआ पेड ऑफ अनईटन फूड स्क्रैप, जो छोड़ा हुआ टुकड़े पे पलता है, ये टुकड़ों पे पलता है, कमेंसलिज्म। ओके, टुकड़ों पे पलता है, राइट। तो एक को फायदा हो गया, इसको तो खाना मिल गया, राइट, ही इज एन विन विन। और इसको क्या हुआ? इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जीरो हो गया। इसको इसको क्या फर्क पड़ेगा? उसका छोड़ा हुआ जूठा टुकड़ों पे पला हुआ है, तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। मोनार्क बटरफ्लाइज कैन सेफली स्टोर पॉइजनस केमिकल्स प्रोड्यूस बाय मिल्कवीड्स एंड क्या होता है, डिस्करेजिंग प्रीडेटर्स फ्रॉम ईटिंग इट। ये जो बटरफ्लाई है वो इसका क्या करता है, कैन सेफली स्टोर पॉइजनस केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय मिल्कवीड्स। इसका पॉइजन जो है ये स्टोर कर सकता है बटरफ्लाई, लेकिन उससे इस फ्लावर को कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, फ्लावर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मिल्कवीड्स डिस्करेजिंग प्रीडेटर्स फ्रॉम ईटिंग इट। ओके, नेक्स्ट क्या? डेकोरेटेड क्रैब रिमूव्स स्मॉल फ्रैगमेंट्स ऑफ टिश्यू फ्रॉम सी स्पॉन्जेस एंड यूज देम फॉर सोर्सेज ऑफ। And use as a sources of camouflage. देखो ये जो है सी स्पॉन्ज है और इसके ऊपर ये क्रैब, बिल्कुल ऐसे ही इसी इसी थीम बेस्ड इसका डिजाइनिंग रहता है, और ये क्रैब यहाँ पे बैठा रहता है, और इससे सी स्पॉन्ज को कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये जीरो इफेक्ट रहता है, और इसको एक बेनिफिट मिल जाता है। ये भी एक डरावना रूप धारण कर लेता है कि देखो मैं एक अजीब सा क्रिएचर बन चुका हूँ और मुझसे बाकी एनिमल्स जो वो डरेंगे, क्या मुझे अलग से पकड़ नहीं लेंगे, राइट। तो ये डेकोरेटर क्रैब ही इसका नाम है, क्यों? क्योंकि ये इसका अजूबा देखने में, इसका स्ट्रक्चर ऐसा है जिसकी वजह से ये कहीं पे भी जाके डेकोरेट अगर रहता है तो वो कैमोफ्लेज करता है, धोखे का काम करता है दोस्तों, किसी को पता नहीं चलेगा कि वहां पे क्रैब है ना। जैसे हम लोग आर्मी वाले कैमोफ्लेज करते हैं ड्रेस, मतलब वो जो ड्रेस यूनिफॉर्म होता है उसमें देखना पत्ते, ग्रीन पत्ते रहते, तो उसी को कैमोफ्लेज करते हैं ताकि दूर से कोई देखे तो उसको पता ना चले, वो डिस्टिंक्ट ना कर सके कि यहाँ पे कोई ह्यूमन है। तो रिपब्लिक डे है इसलिए मैं आपको ये एग्जाम्पल मैंने बताया कि आप देखना वो जो जो भी डिफेंस में फील्ड में जाते हैं फाइट करने के लिए, उनका ड्रेस वैसे ही बनाया हुआ है, ग्रीनिश ग्रे ग्रीनिश कलर, कि वो कैमोफ्लेज धोखा के हिसाब से कोई उसको जब दूर से दूरबीन से देखा जाए या सैटेलाइट, ये क्या बोलते हैं, ड्रोन की इमेजेस लिए जाएंगे तो फिर उनको पता नहीं कर सकता है कि यहाँ पे वो मौजूद है, राइट। तो ये जो डेकोरेटर क्रैब है वो भी सी स्पॉन्ज के ऊपर बैठा रहता है, उसको पता नहीं चलने देता है कि मतलब ही इज गेटिंग हार्म्ड अनहार्म्ड, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, इज अ जीरो स्टेट। और क्रैब को क्या मिल गया कि उसे एक अच्छा अच्छा जगह मिल गया रहने के लिए, साथ ही साथ उसको एक कैमोफ्लेज इमेज दूसरों को, दूसरे एनिमल्स को देता है जिससे कि एनिमल्स उसके करीब नहीं आते। ओके, पैरासिटिज्म हम लोग जानते हैं कि पैरासाइट्स मतलब जो खून चूसता हो। पैरासाइट्स डिस्क्राइब्स एन ऑनगोइंग इंटरेक्शंस बिटवीन टू स्पीसीज वेयर बाय वन स्पीसीज बेनिफिट्स एंड द अदर एक्सपेंस। एक को बेनिफिट, देखो इसको बेनिफिट मिल रहा है और इसको लॉस माइनस,
इसको प्लस, तो इसका खून पी रहा है लीच लीज लाइस, जो हम जो बाल में उलझे हुए होते हैं ना, वो खून चूस के अपना बेनिफिट ले रहा है फ्रॉम द ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम ह्यूमंस, फ्रॉम अदर एनिमल्स. बट वो जो ऑर्गेनिज्म है जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है वहां पे आने से, तो वो माइंड नहीं ज्यादा करेगा. फाइन, सो लीचेस अटैच टू स्किन एंड ड्रिंक्स द ब्लड ऑफ द होस्ट एनिमल अंटिल फुल्ली एंजॉर्ज. टंग ईटिंग लाउजेस ईट द टंग ऑफ फिश. ये देखो टंग ईटिंग फिश है, वो जो है फिश के टंग को ही कंज्यूम करने लगता है. तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है उसमें क्या है, जो होस्ट है जहाँ पे वो रहते हैं उसी का, उसी से न्यूट्रिएंट्स लेने लगते हैं, एब्जॉर्ब करने लगते हैं, एंड विच इज वेरी मच हार्मफुल. टिक एंड ह्यूमन होस्ट, लीच हो गया ह्यूमन पेट में. दोस्तों जो वॉर्म्स रहते हैं, वॉर्म्स इन स्टमक, बहुत ही कॉमन बात है. वॉर्म्स बचपन में, वॉर्म्स की दवाई हम लोग खाते थे. वॉर्म्स इन स्टोमक इज एन एग्जाम्पल, राइट. तो उसमें क्या हो गया कि पेट में कीड़े रहते हैं, वो खाते हैं, एंड वो हार्मफुल होता है हमारे लिए, वो हार्मफुल होता है. तो वॉर्म्स, लाइस, जो जुए होते हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासिटिज्म. ये एनिमल्स के बॉडी में भी रहते हैं. नेक्स्ट है कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन क्या है? कॉम्पिटिशन आप पिक्चर से समझ रहे होगे कि देयर इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन, यहाँ पे देखो सेम स्पीसीज में मारपीट होता है कि ये खाना कौन खाएगा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं खाऊंगा. इसी को लोग, इन्हें, इनके बीच में मारपीट चलता है, फाइटिंग होती है, दोनों को दोनों को नुकसान पहुंचता है ना इसमें, दोनों, बोथ आर नेगेटिव नेगेटिव. लेकिन क्या करना है, फूड इज लिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दैट्स व्हाई बोथ ऑफ देम फाइट. जो बचता है, जो डर के भाग जाता है, उसको नई फूड मिलता है, एंड जो सर्वाइव कर जाता है, दे कैन ईट द फूड, राइट. सो अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन विच कॉम्पिटिशन के लिए मैं बता दूं, इन विच द ऑर्गेनिजम्स फाइट कम्पीट फॉर फूड, खाने के लिए कर सकता है, शेल्टर के लिए कर सकता है. एक गुफा मिला जिसमें ये बोल रहा है कि मैं रहूंगा, ये बोला अरे नहीं नहीं गुफा में मैं रहूंगा, फिर से मारपीट छिड़ जाएगी, दोनों फिर से फाइटिंग करने लगेंगे. अ मेट और अदर रिसोर्सेस, ये सारे मेट के लिए भी होता है दोस्तों. मेटिंग के टाइम में जो एनिमल्स है वो लोग भी मारपीट करते हैं बिकॉज ऑफ मेटिंग. सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट जहाँ पे मारपीट होता है, कंपटीशन होता है, फाइटिंग चलती है, दोनों को नुकसान पहुंचता है इन कंपटीशन. समझ गए? प्रिडेशन या एंड प्रे, इसका है प्रिडेशन, इसको जो टर्म जो यूज किया गया है दैट इज प्रिडेशन. सो इन अ प्रिडेशन, प्रिडेटर एंड प्रे रिलेशनशिप, वन स्पीसीज इन बेनिफिट एंड अनदर स्किल. इसको लाभ मिल रहा है, ये खाना खा रहा है, और इसको नुकसान मिल रहा है. क्यों? क्योंकि इसने इसको मार डाला. यहाँ पे एक ही चीज होता है, यहाँ पर फाइट वाइट नहीं, सीधा एक या तो तू या तो मैं. तो या तो तू कब आते हैं, जो खाना है, जो जो स्मॉलर एनिमल है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो मर जाएगा, ये मर जाएगा. और ये प्रिडेशन हो गया, इसने इसको मार डाला, इसको खाना मिल गया, ये मर चुका है. अब इसको बेनिफिट क्या मिलेगा, इसने तो अपनी जान ही गंवा बैठी, राइट. तो इस फॉर्म में वन एनिमल जो है दे सीज टू एग्जिस्ट एंड दे डाई, दूसरा को उससे खाना या रिसोर्सेस न्यूट्रिएंट्स मिलता है. तो ये सारे जो है हो गए, प्रेडेशन आपने समझ लिया. एमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म क्या है दोस्तों? एन एसोसिएशन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज इन विच वन इज इनहिबिटेड एंड डिस्ट्रॉयड एंड अदर इज अनअफेक्टेड. देखो दोस्तों, यहाँ और प्रेडेशन में क्या हुआ है कि इसको लाभ हुआ है, इसका इसको खाना मिला है, इसका पेट, इट विल हेल्प इट टू ग्रो सर्वाइव, इसको खाना मिला है. लेकिन इसमें क्या होता है, जो इसको नुकसान पहुंच गया लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ा, इसको कोई बेनिफिट नहीं मिला बिकॉज ऑफ देयर प्रेजेंस. तो ये जीरो हो गया और ये नेगेटिव, ये तो मर गया, नेगेटिव हो गया. जैसे देखो ये जोन में, इतने बड़े जोन में ये पूरा ब्लू ग्रीन एल्गी का ब्लूम हो गया, एल्गी हो गया. ये एल्गी ने क्या किया है कि एल्गी के होने की वजह से अंदर में जितने सारे फिशेस थे वो मर गए, बिकॉज ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं अंदर जा रहा था, सनलाइट वाज नॉट एबल टू बी एब्जॉर्ब, जिसकी वजह से इसके अंदर जो एनिमल्स थे वो मर गए, है ना. तो इन तो एनिमल जो मर गया उसका नुकसान हो गया, और ब्लू ग्रीन एल्गी उसको क्या हुआ, उसको थोड़ा ना कुछ, इट वॉजेंट, इट डिडंट हैपन इंटेंशनली, वो उसको अटैक नहीं किया, उसको मारने के लिए कुछ किया नहीं, बट ऑटोमेटिकली इट एग्जिस्टेड एंड अदर एनिमल जो वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो वहां से लुप्त हो गया, मर गया.
देखिए, एल्गल ब्लूम कैन लीड टू द डेथ ऑफ मेनी स्पीसीज ऑफ फिशेस एंड अदर एनिमल्स, हाउएवर द एल्गी डू नॉट बेनिफिट फ्रॉम द डेथ ऑफ दीज इंडिविजुअल्स. एल्गी को देखो तो कोई फायदा नहीं मिलता है, ये जो एनिमल मर गया इट्स नो मोर, तो इसको कोई फायदा हुआ नहीं, ये तो मर गया, इसको तो नुकसान पहुंच गया, और इस एल्गी के प्रेजेंस को इसको कोई फायदा नहीं हुआ इस फिश से, और फिश को नुकसान हो गया बिकॉज ऑफ दिस एल्गी, राइट. ये देखो ये झील में पूरा एल्गी आ गया है. एल्गी इज एन ऑर्गेनिज्म जो ग्रो करते हैं बिकॉज सोडियम पोटेशियम का जब कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर दीज एल्गल ब्लूम्स आर सीन. ओके, तो ये सारे जो जो सारे थे, यही मेन चीज है जिसको हम लोग आप यहाँ पे पढ़ोगे एनसीईआरटी में तो समझ में आ जाएगा कि प्रीडेशन हो गया. प्रीडेटर्स मतलब मारपीट, एक एक मार डाला और दूसरा मर गया, राइट. तो एक एक ने मार डाला, उसको अपना खाना मिल गया, दूसरा मर गया. पैरासिटिज्म, एक होस्ट रहेगा जिसमें पैरासाइट उसका खून चूसेगा, उसे बेनिफिट लेगा, न्यूट्रिएंट्स लेगा, तो एक को फायदा हुआ दूसरे को नुकसान, समझ गए, एक को फायदा दूसरे को नुकसान. प्रीडेटर्स में क्या हो गया, प्रीडेटर्स में क्या हुआ कि प्रीडेटर ने एक को फायदा, एक को फायदा हुआ, एक को नुकसान. नुकसान मतलब ये तो नुकसान नहीं, मतलब बिल्कुल बढ़ ही गया, डाइड डाइड. प्रीडेशन में कंपटीशन में दोनों को नुकसान पहुंचेगा, मारपीट करेंगे. म्यूचुअलिज्म में क्या होगा, दोनों को प्लस प्लस प्लस. कमेंसलिज्म में क्या हुआ दोस्तों, कमेंसलिज्म में एक को फायदा हुआ, देखो कमेंसलिज्म दोनों को एक को फायदा हुआ एंड द अदर इज अनअफेक्टेड, उसको कोई दूसरे से फर्क ही नहीं पड़ा. हाँ, कमेंसलिज्म में एक को फायदा, दूसरा को जीरो. एमेंसलिज्म में क्या हुआ, ये देखो पिक्चर, एक एक जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, मर गया, और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ा. तो माइनस एंड जीरो, माइनस एंड जीरो ठीक है, लेकिन माइनस नहीं बोलेंगे, डिस्ट्रॉय हो गया है तो वैसे क्रॉस एंड जीरो, एक तो मर ही गया, इट्स नो मोर एंड जीरो. सो दीज आर द डिफरेंट रिलेशनशिप्स बिटवीन द एनिमल्स. आइए अब उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या है, राइट. सो कॉमेंसलिज्म में क्या है, यस, सो जैसे यहाँ पे आप देखो इस डेट्रीमेंट कॉमेंसल इन एमेंसलिज्म, ऑन द अदर हैंड वन स्पीसीज इज हार्म्ड व्हाइल द अदर इज अनअफेक्टेड. ओके, बिसाइड्स एक्टिंग एज अ इम्पोर्टेंट, क्या है प्री पॉपुलेशन, ये सब जो है दोस्तों ज्ञान है, मेन चीज वही है. इफ अ प्रीडेटर इज टू एफिशियंट एंड ओवर एक्सप्लॉइट्स इज प्रे, देन द प्रे माइट बिकम एक्सटिंक्ट एंड फॉलोइंग द प्रीडेटर विल ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट फॉर लैक ऑफ फूड. तो बहुत ज्यादा रहेगा अगर प्रीडेटर्स हो जाते हैं, प्रीडेटर्स अगर आ जाते हैं तो क्या होगा, सारे देखो ये जो है वो तो अब घास फूस खाएगा नहीं, अगर सारे डियर्स को ये खा जाएंगे इस जोन में, जितने भी डियर हैं उस सबको ये लोग एक्सटिंक्ट ओवर एक्सप्लॉइट कर देंगे, सबको मार डालेंगे, तो फिर बाद में क्या होगा, भूखे यही यही एनिमल, चीता लायन टाइगर यही लोग मर जाएंगे, इज़न्ट इट. तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन होना चाहिए वो कैलकुलेटिव होना चाहिए, बैलेंस जो है वो ऑटोमेटिकली यू नो इट शुड बी वेल बैलेंस्ड. नेचर जो है वो खुद ही को बैलेंस कर लेता है, बट बिकॉज ऑफ सम और द अदर सर्कमस्टेंसेस, सम और द अदर रीजंस, फ्यू ह्यूमन फ्यू नेचुरल रीजंस की वजह से एक्सटिंक्ट हो सकते हैं. तो दैट इज टू बी केप्ट इन माइंड कि कभी भी दोस्तों अगर इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है किसी भी ट्रॉपिक लेवल में, तो जो दूसरा उसे कंज्यूम करने वाला एनिमल है वो भी खुद ही खुद मर जाएगा, है ना. तो दिस इज अ थिंग, when certain exotic species are introduced into a geographical area they become invasive and start spreading fast because the invaded land does not have natural predators. दोस्तों कहीं भी कभी भी अगर ऐसा देखा गया है कि एक नए species को नए जगह पे डाला जाए और वो जगह में ज्यादा predators नहीं है पहले से, क्योंकि predators जो दुश्मन को तो पहले से पता नहीं था कि यहाँ पे नया species आने वाला है, तो फॉर अ टर्म कुछ समय के लिए वहां पे कुछ प्रेडेटर्स जो है वो नहीं पाए जाएंगे, और वो जो स्पीसीज जिसे नया इंट्रोड्यूस किया गया है बहुत अच्छे से ग्रो करेगा बिकॉज वहाँ के रिसोर्सेज जो है वो अभी तक एक्सप्लॉयट नहीं किए गए हैं, खत्म नहीं हुए हैं. तो जो नया ऑर्गेनिज्म है वो बहुत अच्छे से वहां पे ग्रो करेगा जब तक प्रीडेटर्स ना आ जाए और जब तक वहां के रिसोर्सेज एग्जॉस्ट ना हो जाए.
introduced into Australia. देखो prickly pear cactus, pear cactus introduced into the area in country have havoc by spreading rapidly into millions of hectares. ये जो पेड़ है prickly है pear, उसको वहां पे cultivate किया गया, बहुत जल्दी वो grow किया, बहुत जल्दी वो fastly spread कर दिया. Predators also help in maintaining species diversity in a community by reducing the intensity of competition among competing prey species. है ना, प्रीडेटर्स जो होते हैं एक को मार डालता है और कंपटीशन को भी रिड्यूस करते हैं ना. बहुत ज्यादा सपोज टाइगर ने दो डियर को मार दिया, डियर में भी फाइट हो रही है, कंपटीशन के लेवल को थोड़ा बहुत रिड्यूस कर देते हैं. बिकॉज कंपटीशन दोस्तों वही होता है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो. जैसे कि अभी आप हम लोग यूपीएससी के एग्जाम दे रहे हैं, आप लोग दे रहे हो, तो कंपटीशन बहुत टफ है. व्हाई एग्जाम इज सो टफ? बिकॉज पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है इसलिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है. तो क्या होता है, जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स में क्या होता है, ऑटोमेटिकली कंपटीशन फिर रिड्यूस हो जाता है. यू फाइट ऑन लेस नंबर ऑफ पीपल. प्रीलिम्स में सबसे बहुत ज्यादा बच्चे रहते हैं, फिर उसके बाद मेंस में उससे कम रहेंगे, इंटरव्यू में जो है उससे भी कम रहेंगे. तो ये जो अलग अलग टाइप्स के एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं उसके माध्यम से एलिमिनेशन हो जाता है. उसी प्रकार दोस्तों जब प्रीडेटर्स आके अटैक कर देते हैं तो कॉम्पिटिशन जो है वो लेवल में कॉम्पिटिशन जो है 10 के बदले सपोज 6 एनिमल्स बचते हैं तो 6 के बीच में कॉम्पिटिशन होगा. अगर 10 के 10 रह जाएंगे तो नेक्स्ट लेवल पे भी 10 के बीच में फाइट होने वाला है, राइट? तो एलिमिनेट करते करते हम लोग नेक्स्ट लेवल पे जब जाते हैं तो नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, नंबर ऑफ यूनिट्स गेट रिड्यूस्ड. ओके, ये हो गया कॉम्पिटिशन. तो मैंने समझा ही दिया, दो एनिमल जो है वो कॉम्पीट करेंगे एक दूसरे के बीच में. ये सेम चीज है दोस्तों, ये बहुत ही इजी ही है कि रिसोर्सेज लिमिटेड होने के कारण ये कंपटीशन होता है बिटवीन टू स्पीसीज. ये पिक्चर देखो ना, ये देखो कंपटीशन, ये दोनों मारपीट कर रहे हैं इस डियर को खाने के लिए. तो सेम स्पीसीज होते हैं तो दो अलग स्पीसीज भी हो सकते हैं. तो कंपटीशन हो गया, पैरासिटिज्म हो गया. मैंने आपको समझाया कि पैरासिटिज्म में दोनों एनिमल जो फाइट करते हैं पैरासिटिज्म में क्या हो गया, एक को फायदा होता है, दूसरे को नुकसान पहुंचता है. जो होस्ट रहता है उसको नुकसान, और जो ऑर्गेनिज्म है जो वहां पर रहता है, पैरासाइट जिसको कहा जाता है, उसको फायदा होता है, वो वहां से खून लेता है. तो ये पैरासिटिज्म हो गया. इसमें बहुत ज्यादा प्लांट्स के बीच में भी पैरासाइट्स होते हैं, एनिमल्स में भी पैरासाइट्स. कुछ पेड़ होते हैं जो बड़े पेड़ से न्यूट्रिएंट्स खींचते हैं, तो दैट इज अ पैरासाइट्स, राइट? तो ये होगा कमेंसलिज्म. कमेंसलिज्म में क्या है, दिस इज अ इंटरेक्शन. ये डिटेल्स में आप पढ़ लेना, बट मेन यही है. सो ज्यादा डिटेल्स में आपको अननेसेसरली पढ़ने की जरूरत नहीं है. दिस इज द इंटरेक्शन विच वन स्पीसीज बेनिफिट्स अनदर इज नीदर हार्म नॉट बेनिफिटेड. कमेंसलिज्म मतलब एक को फायदा होगा और दूसरा जो है न्यूट्रल रहेगा. ओके, द ऑर्किड ग्रोइंग इन एन एपिफाइट ऑन अ मैंगो ब्रांच. मैंगो ब्रांच पे एक ऑर्किड हम लोगों ने ग्रो कर दिया है, तो क्या होगा, ऑर्किड को फायदा मिल गया, लेकिन मैंगो जो इतना मोटा मैंगो का ब्रांच है उसको कोई फर्क नहीं पड़ा. सो इफ यू लिव इन अ फार्म रूरल, क्लास एग्जांपल ऑफ कमेंसलिज्म, जैसे कि द, ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल. कमेंसलिज्म मतलब ये जो आपने एग्जाम्पल देखिए, ये सारे जो एग्जाम्पल्स है ये इसके ऊपर रह रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ा. देखना, एक चिड़िया जो है वो भैंस के ऊपर बैठा रहता है, जाके वो डूबे ना, साथ ही साथ वो चिड़िया वहीं पे बैठ के फिश, छोटे छोटे फिश भी खाते हैं. तो भैंस को जो बफेलो है जो उस पानी में, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पानी भी पीता है. तो पैरासिटिज्म हो गया, कमेंसलिज्म हो गया. म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदे होते हैं, म्यूचुअलिज्म में दोनों विन विन होते हैं, दोनों स्पीसीज प्लस प्लस. ओके, सो ये हो गया, तो ये आप पढ़ लेना, नॉट मच उसके डिटेल्स में जाने की जरूरत है. तो दीज आर दी एग्जाम्पल्स of the different relationships between animals. Okay, so conclusion kya hoga dosto, ecological effects are on many on a population are general, related in size, population density which may be expressed in different ways, numbers, biomass, percentage. ये सबसे हम लोग population density को बता सकते हैं depending upon the species. किस species के बारे में, कीड़े मकोड़े को counting नहीं कर सकते, humans के counting होती है. Biomass wise humans की counting नहीं होती है, but कीड़े मकोड़े, bacteria and जो छोटे species है तो उनका हम लोग biomass, उसका total कितना है existence,
वो हम लोग कवर अप करते हैं. सो पॉपुलेशन ग्रोथ थ्रू बर्थ्स, इमिग्रेशन एंड डिक्लाइन थ्रू डेथ एंड इमिग्रेशन, ये हो गया. द इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इन मेजर ऑफ द इनहेरेंट पोटेंशियल इन अ पॉपुलेशन टू ग्रो. तो ये दीज आर द थिंग्स. तो हम लोग ने यही दोस्तों हम लोग ने कवर अप क्या क्या कर लिया. अब एक दिन मैं नेक्स्ट क्लास में इस पूरे चैप्टर की बिल्कुल छोटी सी समराइज्ड वर्जन आपको बना दूंगी, जिससे आपको ये पूरा चैप्टर 13 कवर अप हो जाएगा. राइट, आप समझ गए ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. प्रिलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आते हैं कि आप इस रिलेशनशिप को बताओ जिसमें एक को बेनिफिट एक को नुकसान, क्या है ये. राइट, तो ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस दोनों को फायदे. कमेंसलिज्म एक को फायदा दूसरा न्यूट्रल. बट फ्लावर को थोड़ी ना कोई परेशानी हो रही है या कि इसका हानि ले रहा है, इसको बेनिफिट तो हो रहा है, पॉलिनेशन भी कर दे रहा है. राइट, तो और ये बड़े फिश के ऊपर छोटा सा फिश अटैच्ड है, तो ये रिलेशनशिप हो गया. बड़े फिश को कोई असर नहीं आ रहा है, कोई इफेक्टेड नहीं है. पैरासाइट एक को नुकसान, दूसरे को जैसे कि आप देख रहे हो कि खून चूस रहा है तो नुकसान है, और ये दूसरे को फायदा. कॉम्पिटिशन मतलब दोनों फाइट करेंगे फॉर फूड शेल्टर मेटिंग एंड अदर रिसोर्सेज. प्रिडेशन में एक की जान चली जाती है, इन प्रिडेशन एक की जान हमेशा चली जाती है, दूसरे को उसका फूड मिलता है. एमेंसलिज्म एक के एग्जिस्टेंस से दूसरे की मृत्यु हो जाती है, दूसरा स्पीसी जो है मर जाता है, लेकिन उसके एग्जिस्टेंस जो है ये एल्गी है, यहाँ पे एल्गी को कोई फायदा नहीं हुआ इसके मरने से. राइट, और ना ही लेकिन ये फिश को मतलब ये एल्गी जो आ गया यहाँ पे मौजूद हो गया, इससे सारे फिश मर गए. तो एल्गी डिडंट इंटेंड टू किल द फिशेस, बट इसके मौजूद से ही सारे फिशेस मर गए. तो क्या हो गया, एक को जीरो हो गया और दूसरे की डेथ हो गई, एक को जीरो बेनिफिट मिला. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स इन दिस रिलेशन. आप समझ गए, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप कोई भी ऑर्गेनिजम्स के बीच में पाया गया है. ओके, चलिए तो चैप्टर 13 वी हैव कंप्लीटेड ऑलमोस्ट. बस एक समरी में करवा दूंगी, समरी करवाते चैप्टर 13 हो जाएगा, फिर 14, 15, 16 हम लोग कवर अप करेंगे. राइट, सो गाइस दिस इज अबाउट द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. अगर आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, लाइव टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिल जाएंगे, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा सारे कोर्स को, कंटेंट को, कंटेंट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. यू विल बी एबल टू व्यू दोज कंटेंट सेवरल टाइम्स, जब तक जितने बार मन आए आप उसको डाउनलोड कर लेना. सो दोज हु हैव नॉट येट डाउनलोडेड द अनअकैडमी ऐप एंड दोज हु आर वॉचिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम बट स्टिल डोंट हैव द ऐप, आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली डाउनलोड दिस फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर. These are the top educators who are associated with Unacademy. Unacademy के ये सारे सुदर्शन सर हैं, मृणाल सर हैं, रोमन साइनी सर हैं, आशीष मलिक सर हैं. These are the top educators. अब Unacademy पे पढ़ा रहे हैं, so why don't you get the best from them? है ना, तो जब ऐसा benefit मिल रहा है कि आपको options है बहुत सारे educators के साथ, आपको choice करने को मिल रहा है, so I think this is really important. You can go for that. As you can see दोस्तों, जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको कोर्सेस अपकमिंग कितने क्लासेस आने वाले हैं, क्या क्या कोर्सेस हैं, ये सब आपको बता दिए जाएंगे पहले से. इंडियन इकोनॉमी, ऑप्शनल एनवायरनमेंट, ये सारे अपकमिंग है, ये सारे जो है वो कोर्सेस, नंबर ऑफ वीडियोस रहेंगे. सो ऑल द डिटेल्स विल बी गेटिंग. सो कोई भी अगर आप कोर्स लेते हो, देखो अनअकैडमी के अगर आप कोर्स लेते हो तो फिर आपको 10% ऑफ डिस्काउंट मिल जाएगा यूजिंग माई कोड. अनुमिता टेन आप लगाओगे तो आपको 6 months के कोर्स जो 40,500 का है वो 36,000 दोस्तों सिर्फ 450 में मिल जाएंगे. दिस इज अ गुड डिस्काउंट, डोंट फॉरगेट टू अवेल दिस डिस्काउंट. राइट, ये हो गया डिस्काउंट रेट्स. हर सारे के सारे जो भी चार्जेस हैं उसके ऊपर आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा. और आइकॉनिक में दोस्तों 23%, 32% ऐसे करके जो है ऑफ मिल जाएगा अगर आप यूज करते हो अनुमिता 10. यहाँ पे भी आप अनुमिता 10 करते तो 29% दोस्तों 32% आपको ऑफ मिल जाएगा सारे कोर्सेज पे. है ना, मुझे उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आप लोगों ने कोर्सेज अवेल किया है एंड यू विल बी गेटिंग दिस डिस्काउंट.
तो दोस्तों प्लस एन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, प्लस सब्सक्रिप्शन से ज्यादा बेनिफिट आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, सो डोंट फॉरगेट टू गो फॉर दैट। ओके देखो ये लार्जेस्ट फोर्टनाइटली कंटेस्ट से है फॉर यूपीएससी कॉम्बैट। कॉम्बैट में दोस्तों 31 जनवरी 2021 का है, टाइमिंग है 11 बजे सुबह में, सो जरूर जुड़िएगा। डिफरेंट कॉन्टेस्ट जो है वो लिए जाएंगे। बैचेस आर स्टार्टिंग फॉर 2021, बाइलिंगुअल बैचेस है, हिंदी इंग्लिश एंड सिर्फ हिंदी में ये सारे बैचेस आपको मिल जाएंगे। आपके सुविधा के अनुसार आप चूज कर सकते हो आपके कौन से बैच आपको लेने हैं, राइट। सो बिफोर द प्राइस गो हाइक, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू काइंडली गो फॉर दिस। स्लाइड ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टूडे गाइज, सी यू टूमोरो 8:30 AM। पढ़ाई बिल्कुल चालू रखिए, देयर इज नो टाइम टू वेस्ट। बच्चे की अटेंडेंस कम कम हो गए, आई डोंट नो व्हाट आर दे बिजी विथ सब। देखो मैं कहीं बाहर भी आई हूँ फिर भी आई एम रिकॉर्डिंग द क्लासेस, सो दैट क्लासेस मिस नहीं होने चाहिए। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप भी मेहनत कीजिए, क्लासेस मिस मत कीजिए। ओके सो दैट्स ऑल, सो बाय बाय।